नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। बीते मंगलवार को अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरबार गांव में रालौद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा आयोजित की गई किसान पंचायत को बिना अनुमति आयोजित कराने पर रालौद नेता फंस गए हैं। पुलिस ने बिना अनुमति पंचायत के आयोजन को रालौद उपाध्यक्ष पूर्व सांसद जयंत चौधरी सहित 5 से 6 हजार अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। सभी लोगों पर मुकदमा निषेधाज्ञा उल्लंघन और महामारी अधिनियम उल्लंघन के तहत कार्रवाई की गई। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से अलीगढ़ के पूर्व विधायक ने कहा कि किसान महापंच में हमारे नेता जयंत चौधरी शामिल हुए थे, उनके साथ साथ हम सभी लोगों पर एफआईआर हुई है जो कि गलत है। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग जगह जाकर बहुत सारी रैलियां कर रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है? ये बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। यदि मुकदमा हमारे खिलाफ हुआ है तो मुकदमा उनके विरुद्ध भी होना चाहिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। रालौद की सभा हुई थी, उसमें मुकदमा लिखा गया, कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया और क्यों लिखा गया है? देखिए, थाना गोंडा क्षेत्र में एक ये सभा आयोजित की गई थी एक पार्टी द्वारा, और जैसा कि सबको जानकारी है कि जनपद में सेक्शन 144 लगा हुआ है कि जिसमें किसी भी तरह के आयोजन के लिए परमिशन लेनी होती है प्रशासन से, तो ये परमिशन नहीं ली गई थी प्रशासन से, इसीलिए धारा 144 के उल्लंघन में और महामारी अधिनियम में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। सर, किस किस के खिलाफ किया गया और कितने लोग नेम्ड हैं, कितने अज्ञात हैं? ये जो लोग मौके पर प्रेजेंट थे उसमें कुछ लीडर्स थे और बाकी जो जनता थी, तो उन लोग के खिलाफ ही मुकदमा पंजीकृत। लीडर को किसी को नेम्ड किया है? इसमें नेम्ड जो लीडर्स है, जैसे मैंने बताया जो लोग मंच पर थे उन लोग का नाम है इसमें। थीक, थीक, थीक। जी, थैंक यू सर। हाँ।